न्यूज़ ऑल इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बस्ती सांसद खेल महाकुंभ का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने खेल के माध्यम से इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत ने कभी इतना मेडल नहीं जीता। मोदी जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में बड़ी संख्या में मेडल मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी। मोदी जी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकालकर भारत के दायरे में पहुंचा दिया है। जब मैं इंडिया कहता हूं तो खिलाड़ी कहां से आते हैं? मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद खिलाड़ी गांव, गरीब के घर से आते हैं और वो ओलंपिक तक पहुँचते हैं। यह एक नीति का परिवर्तन और नियत नेतृत्व की क्षमता। वहीं कांग्रेस के पिछड़ों की राजनीति पर जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप संसद में नेताओं को भेजते हैं वाद विवाद के लिए, लेकिन उन लोगों ने जोकर का काम पकड़ लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, किसान के बेटे हैं, पिछड़ों के नेता हैं, उनकी नकल की जा रही है और कांग्रेस का सांसद राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संकल्प क्या है? खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा, हर गांव में युवक मंडल दल और महिला मंडल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराएंगे। और अब तक मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोग ने प्रदेश में 65,000 युवक मंडल दल और महिला मंडल दल को आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद, भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में, उनकी नकल की जा रही है। बाराबंकी जिले के सिद्धौर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बम्भौरी लोधी गांव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के होने वाले संभावित कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्भौरी लोधी में सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना से अवगत कराने सहित अन्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर हरिद्वार भाजपा कार्यालय में वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें योजना की सह प्रभारी और पश्चिम बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी शिरकत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। पीएम विश्वकर्मा योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने को लेकर चर्चा की गई। संसद में हंगामा और सांसदों के निलंबन पर लॉकेट चटर्जी का कहना है कि 3 राज्यों में करारी हार के बाद विपक्षी पार्टियों के सांसद खींच मिटाने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं। इन सांसदों का मकसद सदन की कार्रवाई में बाधा खड़ी करना है। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजे से INDIA गठबंधन के भविष्य का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बहुत सारा लोग पूरा देश में ऑलरेडी जुड़ गया है और फ्यूचर में भी जुड़ेंगे। यहाँ पे 5,500 से अधिक उत्तराखंड पे उत्तराखंड वासी 5,500 के अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। देखिए, जो जैसे तरीके से पूरा पार्लियामेंट में, हाउस में जो विपक्ष लोग चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि कुछ दिन पहले 3 राज्यों का जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये लोग पूरा के पूरा पराजित हुए हैं और इसका फ्रस्ट्रेशन का ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये बाहर आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन का एक दिख है कि एवरी डे ये लोग जो पार्लियामेंट में ब्रिज, सिक्योरिटी ब्रिज हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत दुख का बात है, बहुत चिंता का बात।
हरिद्वार में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजना विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। जगजीतपुर स्थित विभाग के कार्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले में जिले भर से आए सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। सिडकुल हरिद्वार की 6 जानी मानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कई अभ्यर्थियों के इंटरव्यू कर उनका चयन किया। जिला सेवा योजन अधिकारी उत्तम कुमार ने जानकारी दी कि 180 से ज़्यादा पदों के लिए रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें योग्य युवाओं को रोजगार मिलता है। इस तरह की जो कंपनियाँ हैं 6-7 कंपनियाँ आज प्रतिभाग कर रही हैं। बेसिकली इसमें ITI अप्रेंटिसशिप के लिए, BTech और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, और जो महिलाएं हमारी 30 से 45 वर्ष की हैं वो पार्ट टाइम में रिलायंस निपॉन इंश्योरेंस कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए या उनमें सेवायुक्त होने के लिए भाग ले सकती है। कुल वैकेंसी जो हमको प्राप्त हुई हैं, कल तक प्राप्त हुई थी, वो लगभग 182 प्राप्त हुई थी, और रुझान तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा है, बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, सकारात्मक रुझान है, प्रयास है, उस प्रयास पे हमें लग रहा है कि हम सफल हुए हैं। सर लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार वॉच करते हैं और मीटिंग करते हैं, तो उनका यही है कि हम छोटे छोटे लघु स्तर के मेले लगाते रहे हैं। हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं नगर विधायक हरिद्वार मदन कौशिक ने 40वीं वाहिनी PSC के प्रांगण में खेल महाकुंभ 2023 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस आदि का गुब्बारा हवा में छोड़कर तथा मशाल प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और नगर विधायक हरिद्वार मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ तेजी से खेलों के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया तथा सभी प्रकार के खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। उसी का परिणाम है कि आज कई खेल प्रतिभाएं जनपद और राज्य का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल छात्रावास के खिलाड़ियों के खेल किट तथा खेल छात्रावासों के खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते की राशि में भी वृद्धि की गई है। कासगंज की सहावर नगर पंचायत में MRF सेंटर पर जैविक खाद बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे किसानों को बढ़िया और सस्ती खाद मिलना शुरू होगी और नगर पंचायत सहावर की GDP में भी इजाफा होगा। नगर पंचायत चेयरपर्सन एडवोकेट नासी खान और EO प्रमोद कुमार बैस ने कूड़ा निस्तारण के लिए लगाए गए MRF प्लांट निरीक्षण किया और मशीनों को चालू कराकर खाद बनते हुए देखा। आपको बता दें कि कासगंज की नगर पंचायत सहावर की चेयरपर्सन एडवोकेट नासिक खान ने बताया कि इस प्लांट से प्रतिदिन 5 टन कूड़े का निस्तारण किया जाएगा और रोज 1 टन जैविक खाद तैयार हुआ करेगी। जिस खाद को खेती में इस्तेमाल किया जाएगा, ये प्लांट कस्बा के निकट खतौली नगर पुल के पास नया बिजली घर के सामने लगाया गया है। यह प्लांट सूखे गीले कूड़े को अलग करेगा। यहाँ पर जिला कासगंज एटा का पहला MRF सेंटर स्टार्ट हुआ है और हमारी कोशिशों से यहाँ पर मशीन्स आ गई हैं और बिजली का भी कनेक्शन हो गया है, जिससे के बाद ये स्टार्ट हो गया है। इससे ये होगा कि जितना भी सहावर का कूड़ा है वो इकट्ठा हो करके उसको हम खाद में तब्दील करेंगे। बलरामपुर में नाबालिग किशोरी का बाग में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं SP केशव कुमार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना पछवेड़वा थाना क्षेत्र के निहतवा गांव का है। आगरा में ताजमहल के अंदर 10 लाख रुपए से भरा बैग खो गया था। वहीं CISF जवानों ने चंद मिनटों में लाखों रुपए से भरे बैग को ढूंढ निकाला। रुपयों से भरे बैग को वापस पाकर पर्यटक खुश हो गया, साथ ही CISF कर्मचारियों की जमकर तारीफ हो रही है। पर्यटक का कहना है कि ताजमहल जैसे सुरक्षा पूरे भारत में कहीं नहीं है। मामला ताजमहल मुख्य परिसर के पास का है।
हरदोई में एक रेडीमेड कारोबारी के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पाली और शाहबाद पुलिस ने घटना की जानकारी पाकर सभी मार्गों पर तलाशी अभियान चलाया, परंतु युवक का पता नहीं चल सका। युवक की बाइक, चश्मा और जूते सड़क पर पड़े हुए पाए गए। रविंद्र कुमार उर्फ राम जी शाहबाद कोतवाली के बासित नगर नेवदा तिरहा पर अपनी कपड़े की दुकान पर रोज की तरह बैठा था। 19 दिसंबर मंगलवार को भी अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। वो जैसे ही किलीकिली और हजियापुर के बीचों बीच पहुंचा, वैसे ही पीछे से आ रही चारपहिया गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे रामजी मिश्रा गिर गया और गाड़ी पर बैठे लोग उतर पड़े और रामजी को गाड़ी में घसीट कर डाल लिया और चलते बने। घटनास्थल पर रामजी मिश्रा की मोटरसाइकिल और एक जूता चश्मा छूट गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब इस घटना को पाली पुलिस को अवगत कराया गया तो तुरंत पाली पुलिस एक्शन में आई और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। ग्रामीणों से जानकारी ली गई और रोड पर लगे कैमरे खंगाल रहे। SSP नपेंद्र कुमार ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर टीमों को लगाया गया है। मैं नरेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद हरदोई। ये मामला थाना पाली के ग्राम बारी का है, जहाँ पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी मिश्रा, जो कि कपड़े की दुकान करते हैं, और वो अपने दुकान पर मोटरसाइकिल से गए थे और फिर वहाँ से घर नहीं लौटे हैं। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही सकुशल आपातकालीन बरामदगी कर ली जाएगी। गोंडा में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का दौरा है। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर इमरती विशेन गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद जिले के अफसरों के साथ प्रभारी मंत्री बैठक करेंगे, साथ ही मंत्री भाजपा नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही यूपी जोड़ो पदयात्रा के सहारनपुर पहुंचने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य जावेद साबरी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया, ताकि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय द्वारा सिद्धिपीठ माँ शाकंभरी देवी में पूजा अर्चना कर यूपी जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने के बाद उनका काफिला जैसे ही सहारनपुर के विजय टॉकीज पहुंचा, तभी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जावेद सावेरी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों की भारी भीड़ ने गगनभेदी नारों के साथ बड़ी माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सहारनपुर की धरती से यूपी जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया है, ताकि कांग्रेस भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर नफरत के माहौल को समाप्त कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान नहीं मिल पा रहा है, गन्ने का दाम नहीं बढ़ पा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, भाजपा के विधायक ही महिलाओं का दुष्कर्म कर रहे हैं तथा भाजपा उन्हें बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पद यात्रा के माध्यम से किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा और महिलाओं की समस्याओं को उठाने का काम करेगी। जो यात्रा यहाँ माँ शाकुंभरी सहारनपुर से होकर ये लखनऊ शहीद स्थल तक सीतापुर यानी यात्रा में भाईचारा, एकता, जो आज पूरा प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है, उसको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, हमारा नौजवान परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, महिलाएं परेशान हैं, उनके आबरू नहीं बच रहे, इनके विधायक उनका बलात्कार कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर से हमारे व्यापारी, व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहे, सारा समाज परेशान है, दिक्कत में है, ये सारी चीजों को इस यात्रा से जोड़कर हम लोग लेके चलेंगे। क्या लगता है आपको, यात्रा के माध्यम से कांग्रेस मजबूत हो रही है? निश्चित तौर से, आप देखिए हमारे सभी साथी, हमारे सभी वर्ग के लोग कांग्रेस साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।